मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। वहीं आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी जी। आइए बात करते हैं भैया। अभी जो कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां लगभग चल रही है, अब देखा जाए तो हाट पिपलिया विधानसभा में आपको भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी मिली है, तो क्या कुछ कहेंगे इसकी चुनाव? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं अपनी जीत के लिए, आश्वस्त भी हैं अपनी जीत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 15 साल बनाम 15 वर्ष की हम तुलना करें तो कमलनाथ जी हर मोर्चे पर मजबूत दिखाई देते हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से। हम लोगों ने इंदिरा ज्योति योजना लागू की थी, जो हर घरों में आज 100 रुपये का बिजली के बिल आ रहे थे, जो शिवराज सिंह चौहान सिर्फ भाषणों के जादूगर हैं, सिर्फ बोलना जानते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने करके दिखाया, अपने वचन पत्रों का अच्छे से पालन किया। हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, लगातार हम अपने वचन पत्र के सभी पहलुओं पर जा रहे थे। PSC के थ्रू जो प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, उन लोगों को पोस्टिंग कंफर्म की गई है और काफ़ी वैकेंसीज हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में निकाली जा रही थी। कमलनाथ जी के कार्यकाल को 15 साल बनाम 15 वर्ष और 15 महीने कर देंगे तो कोई बीमारी साबित नहीं होगी और हम उसी के आधार पर चुनाव जीतेंगे, ये इसके लिए हम आश्वस्त हैं। भैया क्या कहेंगे, 15 साल बाद आपकी सरकार आई और 15 महीने से ज़्यादा नहीं चल रहा? 15 महीने 15 साल के बाद 15 महीने बड़े हैं और सरकार चल पाना बीजेपी की जो छोटी राजनीति थी, इन्होंने देखिए आप कोरोना को भी इन्होंने नहीं बख्शा, क्योंकि पूरे देश को संकट डाल दिया से सरकार गिराने के लिए। इन्होंने सिर्फ अपने रसूख का फायदा उठाया, पैसे से खरीद कर विधायकों को ले गए और सरकार गिराने में का जो कुछ प्रयास किया है, जनता इसका जवाब देगी। भैया देखा जाए तो हाट पीपलिया में अभी भी दो गुट आपकी पार्टी में दो गुट चल रहे हैं, तो क्या आगे जाकर इससे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं नहीं, आपको गलत जानकारी है, कोई गुट है ही नहीं हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी पंजे पर काम कर रही है, हाथ के पंजे हमारा चुनाव चिन्ह है और जिसको भी सिंबल मिलेगा, अभी जवाबदारी मुझे दी गई है कि मैं जाके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि हम लोगों में कोई गुटबाजी है। हमारी पार्टी हाथ के पंजे के चुनाव चिन्ह पर काम करती है और हमारी विचारधारा का प्रचार रखते हैं और हम उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा हमारी पार्टी से मजबूत साथी होगा और हम चुनाव जीतेंगे। देखा जाए तो राजीव सिंह बघेल जी का भी पिछली बार कहीं ना कहीं नाम काफ़ी आगे था, लेकिन मनोज चौधरी जी को वहाँ से टिकट दे दिया गया, उसके बाद उनकी काफ़ी नाराज़गी उन्होंने जताई थी और इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बात सामने आ रही है कि तंवर सिंह जी और ये बघेल साहब, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन चल रही है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, टिकट के पहले दावेदारियां होती हैं, सभी लोग पार्टी में जो अपना काम करते हैं वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन जब जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि राजवीर सिंह जी भी दावेदारी कर रहे थे, मनोज चौधरी जी भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब मनोज चौधरी को मिला तो पूरी पार्टी ने एक काम किया, जब चुनाव जीते। ऐसे अभी भी दावेदार आएंगे, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा, हमारी जो पार्टी संगठन का काम करते हैं, संगठन बहुत मजबूती से काम करेगा और हम चुनाव में जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए ताकत से काम करके चुनाव जितवाएंगे। अभी अभी एक सियासी मुद्दा काफ़ी गर्मा रहा है, देखा जाए तो हाट पिपलिया में एक रोड का उद्घाटन जो हुआ है जिस पे काफ़ी आपके बयान भी उस पे जारी हुए, क्या कुछ मामला है बताएंगे इस विषय पर? हाट पिपलिया में जो रोड का उद्घाटन किया गया था 28 तारीख को, वो उसका हमने विरोध किया है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन सेकंड टाइम उसके लिए निविदा निकाली गई थी 21 जनवरी को, माननीय पूर्व मंत्री सज्जन सिंह जी वर्मा साहब पिछड़ी मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने हाटपी विधानसभा के नेवरी से लेकर चापड़ा के मार्ग 21 किलोमीटर के मार्ग के लिए 21 करोड़ की योजना लाके दी थी और टेंडर जारी करवाए थे। 6 कंपनियों ने टेंडर में प्रतिभाग लिया था और उसमें राजलक्ष्मी कंपनी है, बिल्डकॉन है, जिसको टेंडर जारी हुआ 16% कम रेट पर, उन्होंने अपनी निविदा डाली थी जो स्वीकृत हुई और 20 मार्च को उसका डिसीजन भी आया कि उसका एग्रीमेंट हुआ और उसके चूंकि लॉकडाउन चल रहा था इसलिए एग्रीमेंट होने के बाद वो काम नहीं लगा पाए थे, उन्होंने काम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है देवास जिले के प्रशासन के ऊपर, मैं आरोप लगाता हूँ क्योंकि सत्ता तो आनी जानी होती है, हम कल सत्ता में थे आज नहीं है, कल फिर सत्ता में आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने स्वीकृति दी, लॉकडाउन की खुली धज्जियाँ उड़ाई गई, वहाँ पर आप देखिए, आपने वीडियो देखे होंगे, सब एक दूसरे चुपके हुए थे और कोई परमिशन नहीं थी और उन्होंने सीधा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी और पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी, वो जाते हैं और सिर्फ संगठन के लोग ही जाके, कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, और संगठन के लोग ही गए और उन्होंने भूमि पूजन कर दिया। हमने उसका विरोध किया है कि जो योजना सज्जन सिंह वर्मा जी द्वारा स्वीकृत की गई थी
जो टेंडर दिया गया था उन्होंने अपने क्षेत्र का काम रोक के पहले नेवरी से चापड़ा के मार्ग के लिए पैसा स्वीकृत किया था, और वो बिल्डकॉन कंपनी है राजलक्ष्मी बिल्डकॉन, उसको टेंडर भी दे दिया गया, और उसके सारे दस्तावेज भी कल हमने आपको मीडिया के साथ समझ प्रस्तुत किए हैं कि ये काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। लेकिन झूठ की राजनीति, श्रेय की राजनीति, तो उनके लिए कहा जाता है कि जोर से बोलो, झूठ बोलो और झट से बोलो, उस पर उन्होंने चरितार्थ किया है, और शायद मनोज चौधरी जी भी उसी श्रेणी में आ गए। मनोज चौधरी जी का एक यह भी कहना है कि कमलनाथ जी की सरकार में उनके काम में कोई गति नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब वह तीव्र गति से उनके कार्य कर रहे हैं, तो इस विषय पर क्या कहेंगे? अभी कहाँ से काम कर रहे हैं, अभी तो विधायक भी नहीं है वो। जैसे उन्होंने बताया कि रोड और पानी की समस्याओं को हम दूर करने में सक्षम रहे। मनोज चौधरी जी के क्षेत्र में दीपक उस टाइम पे तत्कालीन सरकार में जीतू पटवारी जी प्रभारी मंत्री थे, जो उनको अपना छोटा भाई माना करते थे। सज्जन सिंह वर्मा जी भी उनको अपना छोटा भाई माना करते थे कि इनके क्षेत्र में युवा नौजवान है, जितने विकास के कार्य हो सकते हैं करें। वर्मा जी माननीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्र का काम रुकवा कर पैसा स्वीकृत किया रोड के लिए और उनके क्षेत्र में काम दिया। ये तो उनको पार्टी छोड़ के भागना था, क्योंकि काफ़ी लोभ लालच दिए गए, और पता नहीं क्या उनको ऐसा हुआ, क्योंकि संगठनों के कई पद पर रहे, NSU के जिला अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के रहे सरकार, उसके बाद विधायक का टिकट दिया, और एकाएक और कोई परेशानी थी, अगर कोई बात की अवहेलना हो रही तो पार्टी फोरम पर उठाते। जनता ने आपको 5 साल के लिए वोट दिया है, आपने जनता को 1.5 साल में दूर कर दिया, एक अच्छी बात नहीं रही उनकी। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके इस कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी उन्हें माफ नहीं करेगी। क्या लगता है कि मनोज चौधरी जी से इस बार हार्ट पीपले की जनता नाराज है? बिल्कुल नाराज है। अभी आपने देखे बीच में ऑडियो भी काफ़ी आए थे उनके खिलाफ, लोगों ने बोले आपने हमारी इज्जत करा दी भैया, गलत किया आपने। तो सही बात भी, अगर आप मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता ने मुझे 5 वर्ष से चुना है, तो कम से कम उस टर्म के साथ तो मैं जस्टिस करूँ कि मैंने मुझे जो 5 साल के लिए दायित्व सौंपा था, अगर वो काम नहीं हो पाता तो रोड पे सर साधन निकलते, बात की जाती। ऐसे ही उन्होंने किसान केस को ले आए बीच में कि किसानों के जो केस माफ नहीं हुए थे इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। अरे भैया, किसानों पर केस दर्ज किसने किए थे? 6 जून 2018 को जब मंदसौर में लाठीचार्ज हुआ था, मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, किसान मारे गए थे, उसके बाद देवास में विरोध हुआ था, उन किसानों के ऊपर प्रकरण दर्ज किसने किए थे? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए थे। आज आपको उनसे अपेक्षा थी कि वो आपके केस दर्ज केस वापस ले लेंगे? ये सिर्फ गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं, और इससे हम आहत होते हैं, क्योंकि सबने कार्यकर्ता के रूप में उनके लिए काम किया था, और आज वो ऐसी बात करते हैं तो ये अच्छी बातें नहीं है। क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी वहाँ पर अपना परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल, हम आश्वस्त हैं, क्योंकि पार्टी ने, जनता ने वोट कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को दिया था, किसान कर्ज माफी को दिया था, कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को दिया था, अपने वचन पत्र जो कमलनाथ जी ने जारी किया था उस वचन पत्र को पढ़ के दिया था, किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया था। आपने देखा होगा जब वोटर मशीन होती है उसमें जब हम बटन दबाते हैं किसी का नाम नहीं आता है, सिंबल निकल के आता है कि इस सिंबल पे वोट दिया है, हाथ के पंजे पे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वोट दिया था, और जब भी जनता ने कांग्रेस को चुना था और अब भी चुनेगी। तो भैया, अभी एक सवाल और है कि देखा जाए तो मनोज भैया और आप दोनों काफ़ी अच्छे घनिष्ठ मित्र रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ खट्टापन आप दोनों की दोस्ती में आया है? कॉलेज जीवन से ही वो मेरे साथ, मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरे बड़े भाई थे हैं, और हमेशा संगठन में काम किया, NSU का अध्यक्ष मैं भी रहा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं भी रहा, लगातार साथ में काम किया, और रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन सिद्धांत और विचारधारा अपनी जगह है, और सिद्धांतों से समझौता नहीं होता है। अपने रिश्ते हम रखेंगे, बड़े भाई छोटे भाई वाले, लेकिन जो मेरा काम है उस क्षेत्र में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना, मेहनत करना, जितवाना, वो मैं करूँगा, और वो अपना काम करें। अभी एक आखिरी क्वेश्चन और मेरा, अभी देखा जाए तो 15 महीने की आपकी सरकार थी, अब यह आखिरी मौका है आपके पास उपचुनाव को लेकर के, अगर मध्य प्रदेश में वापस से आपको अपना परचम लहराना है तो आपको यह उपचुनाव जीतना पड़ेगा, तो क्या क्या लगता है आपको, आप अपनी जीत से कितने आश्वस्त हैं? पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस के इन कतिपय नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झेल नहीं पा रहे, बिल्कुल भी उनको साफ गोई से वो इनकार कर रहे हैं कि ये लोग अपने अलग विचारधारा से आए हैं, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कैसे काम करें। सभी जगह इनको आंतरिक भी संकट झेलना पड़ रहा है, साथ साथ जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जनता की कसौटी भी खरी नहीं उतरे, इन लोगों ने बीच में ही रण छोड़ दिया, तो इसलिए इनके सामने रण छोड़ का भी चैलेंज है, और इनके सामने जनता आपसी पार्टी की जो इनकी गतिविधियाँ चल रही हैं उसका भी चैलेंज है। तो मैं नहीं समझता कि अब ये उससे भर पाएंगे, और कांग्रेस पार्टी पूरी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 24 सीटों पर चुनाव जीतेगी।
तो आपने देखा जिस तरीके से बताया गया कि कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 24 सीटों पर चुनाव जीत करके अपना परचम मध्य प्रदेश में लहराएगी। प्रवीण आचार्य, खबर बाण न्यूज, देवास।